हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में केवाईसी के संबंध में। म्यूचुअल फंड में केवाईसी क्या होती है, कैसे बनती है और इसका किस तरह से उपयोग हमारे म्यूचुअल फंड में होता है, या इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, या इसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केवाईसी में सबसे पहले केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। तो कस्टमर कौन है उसकी जानकारी के लिए क्या चाहिए, तो चाहिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसल्ड चेक, जिससे उसकी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ हो सके प्रॉपरली, जिससे कि इनकम टैक्स को उसके सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आ सके। बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पैसे लगाते हैं, आपका निवेश जो होता है, पैसे लगाने के बाद कहाँ लगा हुआ है, किस तरह से लगा है, तो वो सारी जानकारी सरकार के पास भी होनी चाहिए। तो इस केवाईसी में आपको अपने पैन आधार को लिंक करना, जो कि बहुत कंपलसरी है, और उसकी लास्ट डेट भी 31 मार्च 2023 है विद पेनल्टी, वो ज़रूरत पड़ती है। आपको अपने चेक की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपके बैंक की डिटेल होती है, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसकी भी ज़रूरत होती है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि म्यूचुअल फंड में कैश पैसा नहीं लगता, इसी तरह से थर्ड पार्टी भी नहीं लगता है। थर्ड पार्टी आप पेमेंट केवाईसी या म्यूचुअल फंड में नहीं लगा सकते, तो इसलिए केवाईसी के ज़रिए जब आप एक बार केवाईसी अपनी बनवा लेते हैं, ये केवाईसी भी आप किसी म्यूचुअल फंड ऑफिस, किसी एएमसी के ऑफिस से या किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जाके बनवा सकते हैं, या खुद भी उनकी साइट पे जाके आप ऑनलाइन केवाईसी अपनी प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे पहला जो स्टेप है वो है केवाईसी। अगर आपकी केवाईसी नहीं बनी हुई है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए केवाईसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए आपको, हाँ मैंने बता ही दिया कि पैन, आधार, चेक और आपका साइन चाहिए होता है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जिसके द्वारा आपकी केवाईसी बन जाती है। म्यूचुअल फंड की केवाईसी और बैंक की केवाईसी दोनों फ़र्क हैं, इसलिए उससे दोनों में आप किसी भी तरह की गलतफहमी ना रखें। बैंक की केवाईसी अलग होती है, बैंक अपनी केवाईसी अपने यहाँ के लिए करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड की केवाईसी यूनिवर्सल होती है, और आप एक बार अगर केवाईसी करा लेते हैं तो आपकी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एक और ध्यान रखें कि अभी जिन्होंने जल्दी में केवाईसी कराई है और आधार वहाँ पे नहीं दिया है, किसी और डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने अपनी केवाईसी बनवाई है, तो वहाँ पे आधार के साथ उसको अपडेट करें, अन्यथा 1 अप्रैल के बाद उनको इस निवेश में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।